हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सॉइल के ऊपर प्लांट्स के, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो सॉइल के ऊपर बना देती हूँ। अभी देखिए, मेरे यहाँ सीजनल फ्लावर खिलना भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अभी डायंथस, गेजानिया और मेरीगोल्ड स्टार्ट हुआ है, पिटूनिया अब तक खिला नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ अभी टेम्परेचर उतना, सर्दी उतना है नहीं और दोपहर का जो धूप होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए अभी तक। और साल्विया भी खिला है, ये चारों ही खिला है, लेकिन ऑस्ट्रेशियम वगैरह अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं एक्चुअली जो हम लोग, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा कोकोपीट यूज़ करती हूँ, तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैं नॉर्मली सॉइल बनाती हूँ, ये सकुलेंस को छोड़ के, सकुलेंस का सॉइल डिफरेंट होता है, उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नॉर्मली मैं आपका 40% कोकोपीट या गार्डन सॉइल, आप जो भी प्रेफर करते हैं वो बनाती हूँ, वो देती हूँ। उसके साथ मैं 40% वर्मी कंपोस्ट या काउडांग हो या लीफ कंपोस्ट, जो भी खाद हो आपके पास, एनी काइंड ऑफ कंपोस्ट, वो देती हूँ। तो 40-40-80 हो गया, और 20% मैं सैंड, जो बजरी होता है कंस्ट्रक्शन साइट में जो सैंड यूज़ होता है, वो वाला मैं देती हूँ, वो देके मैं बनाती हूँ। लेकिन हम लोग का जो विंटर सीजनल प्लांट होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जितना मैक्सिमम हो सके आपको फ्लावरिंग दे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है जब गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें, ये तो हमेशा के लिए नहीं, पेरेनियल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको जब लगाते हैं तब भी इसमें खाद ज़्यादा देते हैं, क्योंकि पेरेनियल जो परमानेंट प्लांट्स है उसमें तो हम 3 महीने या 6 महीने बाद ऐसे खाद दे सकते हैं, मिट्टी को रीच कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सब गेजनिया वगैरह ये सब तो हम लोग सीजनल हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, हमेशा 60% खाद देती हूँ, 50-60% खाद यूज़ करती हूँ, और 40% में सॉइल हो या कोकोपीट हो जो भी देते हैं, और 20% सैंड देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है पीछे आप, ये आपका एजेलिया का था, और ये जो है आप डायंथस है। तो एजेलिया परमानेंट प्लांट है, उसमें मैंने 40-40-20 का रेशियो रखा है, लेकिन ये डायंथस ये सीजनल है, तो ये बहुत कम टाइम हम लोग के पास रहता है, इसीलिए इसमें आप जब भी 3-6 महीने बाद आप इसमें जो खाद मिक्स नहीं कर सकते, तो जब भी आप लगाएंगे बहुत ही रिच सॉइल में आपको लगाना होगा। तो 60% आप कंपोस्ट लगा दीजिए, 40% सैंड या कोकोपीट दीजिए, सॉरी सैंड कोकोपीट दीजिए, और 20% आप सैंड दीजिए, ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो, भुरभुरा हो। और अगर ज़मीन पे आप ऐसे लगाते हैं तो वो तो बहुत ही इजी होता है, कोई झंझट नहीं होता है, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो एक कॉन्फाइन स्पेस में हम लोग का प्लांट ग्रो करता है, तो उसमें क्या होता है, रिचनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको बहुत धूप चाहिए सीजनल, जैसे आप मेरीगोल वगैरह हो, इन सब में आप फुल सनलाइट में रखिए, और देन आप उसको बहुत ही एक ऑर्गेनिकली रिच सॉयल में आप लगाने के टाइम में ज़्यादा खाद दे के लगा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि बार बार खाद मिक्स करने का। हाँ, 1 महीना फ्लावरिंग के बाद आप डेड हेडिंग कर दीजिए, उसके बाद मिट्टी का थोड़ा गुड़ाई करके फिर आप उसमें एक मुट्ठी खाद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग यू नो उतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। और मेरीगोल वगैरह थोड़ा दिन रह जाता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि पिटूनिया वगैरह, जब भी यू नो फेब्रुआरी एंड या मार्च यू नो फर्स्ट सेकेंड वीक में जब भी गर्मी ज़्यादा होता है, ये लोग ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यू नो ऑर्गेनिकली रिच सॉइल इनिशियली देने से आपका प्लांट जो होता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसको ग्रोथ मिलता है, तो उससे फ्लावरिंग भी स्टार्टिंग से बड़ा होता है साइज, और बहुत सारे यू नो फ्लावर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो सीजनल के जो आप मिट्टी बनाइए, ऐसा बनाइए, देखिए ये कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और इसमें देखिए कंपोस्ट 60% है, 40% मैंने कोकोपीट दिया है, आप गार्डन सॉइल दे सकते हैं, और 20% मैंने बजरी दिया है, जो कंस्ट्रक्शन वाला सैंड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 60-40-20 का रेशियो है। सो आप सीजनल प्लांट्स में प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा खाद दीजिए, ताकि आपका यू नो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो, और जो भी सूखा हुआ फ्लावर आए उसको आप तुरंत हटा दीजिए, ताकि प्लांट आपका सीड बनाना, जो बीज बनाना स्टार्ट ना कर दे, नहीं तो उसमें उसका पूरा एनर्जी चला जाएगा। और पिछले साल भी मैंने एक सीजनल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें भी मैंने सेम बात ही बोला था कि आप ऑर्गेनिकली रिच सॉइल यूज़ कीजिए, और जो जैसे मैं करती हूँ, एंड आई होप आपका भी ब्लूमिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और यू नो जो डायंथस वगैरह है, ये सब आप जितना डेड हेडिंग करेंगे उतना इन सब में फ्लावर होता रहता है। मेरा तो पिछले साल का 2-3 डायंथस का प्लांट इस साल बच भी गया, क्योंकि मैंने
छांव में रख दिया था और एक दो फ्लावर ये हमेशा देता रहता था। तो ऐसे हम कभी कभी लाख अगर अच्छा हुआ तो हम बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी और पेस्ट वगैरह भी अटैक ना करे उसके लिए भी हम लोग का जो प्लान का बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना होता है। इसीलिए ऑर्गेनिकली रिच सॉइल आप जो जितना देंगे आपका प्लान का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये देखिए कैलेंडुला जो मैंने सीडलिंग से ग्रो किया था, अभी देखिए मैंने सेपरेट पॉट में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो मैंने ऐसा ही ये देखिए विंडो प्लांटर जैसा है इसमें मैंने दो दिया है क्योंकि ये फैल जाएगा थोड़ा। और इसका भी आप देख सकते हैं सॉइल बहुत ही पोरस है क्योंकि वेल ड्रेन है, अगर पानी जमा हो जाए स्पेशली ये प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें पानी जमा होने चांस रह जाता है तो उसमें आपका प्लान गल जाएगा। सेकंड आप मैंने इसमें खाद इसमें काउडंग है आप इसलिए थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है। आप काउडंग अगर आपके पास फुली डिकम्पोस्ट है वो भी आप 60% दीजिए तब आपका प्लान बहुत जल्दी ग्रो भी होता है और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो मेरीगोल्ड का सीडलिंग्स मैंने दो पॉट में एक्चुअली जमा किया था उससे मैं धीरे धीरे एवरी डे एक दो सेपरेट इंडिविजुअल पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपने भी ऐसे ही सीडलिंग्स ग्रो किए हैं तो आप भी इन सबको जब इंडिविजुअल पॉट में शिफ्ट करेंगे तो वही ऑर्गेनिकली रिच सॉइल आप दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप मेरे जो भी फ्रेंड्स मुझे सॉइल के बारे में पूछ रहे थे तो फ्रेंड्स अगर आपके पास गार्डन है तो ज़मीन है तो गार्डन सॉइल यूज़ कीजिए, कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो भी यूज़ करें रिच यूज़ कीजिए थोड़ा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक